नमस्कार, विजन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। और अभी तक यदि आपने विजन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगी कुछ ऐसे लोगों के संघर्ष की कहानी जिन्होंने अपने जुनून के बलबूते अपनी एक अलग पहचान बनाई। और आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जीवन में अपनी जिद को हकीकत में बदलने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उनकी इसी जिद की वजह से इस शख्स ने अपना मुकाम हासिल किया, तो लोगों ने इन्हें इंसान ही नहीं बल्कि भगवान माना। आज भी पूरे भारत में इनकी पूजा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम की। आज परशुराम की जयंती भी है। आज ही के दिन इस महान शख्स का जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी इन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में रुचि थी, और ये अपने इरादे के इतने मजबूत थे कि यदि ये एक बार कुछ करने की ठान ले तो फिर ये कभी भी पीछे नहीं हटते थे। एक बार अपने पिता को वचन दे दिया कि वह जो भी कहेंगे उसे पूरा करेंगे, और पिता ने परशुराम को आदेश दिया कि जाओ अपनी माता का वध कर दो। परशुराम ने बिना कोई सवाल किए अपनी ही माता का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। भले ही परशुराम को लेकर आम लोगों की जो धारणा बनी हुई है वह ये है कि वे बहुत गुस्से वाले थे, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह भले ही स्वभाव से गुस्से वाले थे, किंतु वह जो भी कार्य करते थे पूरी सूझबूझ के साथ करते थे। जब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बिना कोई सवाल किए अपनी माता का वध परशुराम ने कर दिया था, तो पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया कि कोई भी वर मांगो मैं उसे पूरा कर दूंगा। और परशुराम ने अपने पिता से वचन में माता का जीवित शरीर मांगा, और मजबूर होकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि को परशुराम की माता को जीवित करना पड़ा था। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। सत्य कह रहे हो पिताश्री? क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो तुम? जीवित शरीर, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा। परशुराम अपने इरादे के इतने मजबूत थे कि एक बार उन्होंने जो ठान लिया उससे कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जब किसी क्षत्रिय राजा ने कामधेनु गाय के लालच में आकर परशुराम के माता पिता की हत्या कर दी, तो अचानक परशुराम भी वहां पहुंच गए। जैसे ही परशुराम अपनी माता के पास पहुंचे तो उनकी माता ने मरते मरते परशुराम से कहा कि एक क्षत्रिय ने ये सब किया है, और उनकी माताजी ने छाती पीटते पीटते अपने प्राण त्याग दिए। परशुराम अपनी माता की छाती पीटने की क्रिया को देख भी रहे थे और गिन भी रहे थे। परशुराम ने देखा कि उनकी माता ने 21 बार अपनी छाती पीटकर अपनी आखिरी सांस ली। बस फिर क्या था, परशुराम ने संकल्प लिया कि वे 21 बार क्षत्रियों का नाश कर देंगे, और निकल पड़े अपने मिशन पर।
अपने इस मिशन के दौरान उन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों दुराचारी राजाओं का नाश कर दिया। परशुराम ने ढूंढ ढूंढ कर दुराचारियों का नाश करने में कोई भी कसर नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति यदि अन्याय करता था तो परशुराम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उसे वहीं सजा दे देते थे। अपने दृढ़ संकल्प के चलते परशुराम परशुराम नहीं बल्कि भगवान परशुराम कहलाए। मित्र, जीवन में यदि कुछ भी ठान लो तो जी जान से उस पर जुट जाओ तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। किंतु ध्यान रहे कि एक बार अपना विजन तय करना जरूरी है और उस पर निरंतर कार्य करना उससे भी जरूरी। यदि आप भी अपने जीवन में एक विजन और एक मिशन के तहत कार्य करना चाहते हैं और अपना एक नया मुकाम बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारा संकल्प आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एकजुट होकर एक नया इतिहास रचेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने विजन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंच सके। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और शख्स के विजन और मिशन की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।